हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। सो भाई, खैर लास्ट डे है आज गांव में, तो खैर आए थे अपने खेत तरफ। बाकी बैक साइड में आप लोग देख सकते हो तालाब। सो खैर व्यू काफ़ी अच्छा रहा होगा, और उसमें खैर कुछ डक्स जो है वो तैर रही है। और इस तालाब का जो पानी है तो खैर हमारे खेत के बगल में है, तो खैर अभी आए थे खेत में पानी डालने के लिए। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था भाई कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे शादी के कारण जो पानी वगैरह है खेत में वो नहीं पड़ा था, सो इस वजह से खैर आ जाए थे। तो चलो खैर खेत की कंडीशन भी दिखाते हैं अभी। सो ये राइट हैंड साइड में है तालाब, और इधर लेफ्ट साइड में है अपनी क्यारी। सो खैर मोटर के थ्रू इसमें पानी डाला, तो अभी देख सकते हो अभी कि सारे में जो पानी है वो डल चुका है। तो खैर बाकी सब्जी वगैरह है, और मेनली तो भाई जो मक्का लगा रखा था, कल भी मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे सूखा पड़ा था, सो उसमें खैर अभी पानी डाल दिया है। तो खैर चलो बस अभी निकलते हैं घर के लिए। बाकी एक दो जगह आज मैंने और जाना है घूमने के लिए, सो खैर वहाँ पर घूमेंगे, साथ में आपको भी घुमाएंगे अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं खैर अपनी सिस्टर के घर, जिसकी अभी शादी हुई थी। सो खैर खाली आप तो जा नहीं सकते, थोड़े बहुत फल वगैरह पकड़े हैं तो वो देने हैं, बाकी थोड़ा बहुत काम है तो वहाँ पे भी निपटा करके फिर अपनी बड़ी दीदी के वहाँ जाना है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे गाँव से जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी ऐसी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, तो बाइक्स वगैरह में जाना पड़ता है। तो खैर जीजा लोग गए हैं सुबह, लेकिन एक बैग उनका रह गया था, तो खैर वो भी हमने पहुंचाना है। तो कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी है, बाकी वैसे बाय रोड भी है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं खेत के बीचों बीच, मीन जो कच्चे रास्ता रहता है तो उसमें से हम लोग जा रहे हैं। तो चलो खैर अभी पहुंचते हैं घर और सामान वगैरह हैंड ओवर करते हैं, बाकी सिस्टर से मिल लेते हैं, क्योंकि दोबारा तो फिर पता नहीं कब आना होगा। कि लास्ट विजिट से ये भी मेरा शायद 8-10 साल बाद का विजिट है, तो क्या पता अगला कब आना हो। तो इस वजह से मैंने कहा कल हमने जाना है वापस घर के लिए, उससे पहले मिलते हुए जाए। तो चलो खैर अभी पहुंचते हैं भाई पहले। सो गाइस अभी हम लोग खैर सिस्टर के घर से तो आ गए, तो खैर मैं हूँ, साथ में राहुल है मेरा भाई, बहनोई है कृष्णा, और साथ में उसका एक फ्रेंड। सो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, देवधरा है एक जगह घूमने लायक, तो वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। और फिलहाल अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है प्रॉपर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर। सो हमारे गांव से अराउंड ये 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। सो खैर अभी हम लोग जाने वाले हैं देवधरा घूमने के लिए, तो खैर बॉर्डर पड़ा तो मैंने कहा चलो यहाँ पे क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। और यहाँ पर जो डिफरेंस है थोड़ा सा ये नज़र में आ रहा, हालांकि गेट तो है यहाँ पर, और इस तरफ लिखा तो था कुछ, शायद वो मिटा हुआ है, बाकी अदर साइड में खैर लिखा है वेलकम टू उड़ीसा। सो ये अपना बॉर्डर पड़ता है, और वेरिएशन और यानी डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आ सकता है। अभी छत्तीसगढ़ की रोड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वाइट लाइन, वहाँ पे एकदम फिनिश, और उसके बाद उड़ीसा की कंडीशन देखो भाई। तो यहाँ से खैर उड़ीसा शुरू हो रहा है, तो खैर ऐसी जगह विज़िट करने में मज़ा सा आता है भाई कि थोड़ी सी दूरी पे अपना बॉर्डर पड़ गया। तो खैर कुछ ये अपना छत्तीसगढ़ साइड से, हालाँकि सन अपोजिट साइड में है तो शायद जो लिखा हुआ है वो सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा है वेलकम टू उड़ीसा, क्योंकि जो पहले उड़ीसा था उसका नाम चेंज हुआ था, तो उड़ीसा करके हुआ है उसको चेंज। सो वो चीज़ इसमें मेंशन है। सो चलो खैर अभी आगे बढ़ते हैं, और देवधरा जो मैं आपको जगह का नाम बताया तो वहाँ पे चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवधरा, और सामने है ये शिव मंदिर। सो चलो खैर अभी चलते हैं हम लोग, और साथ में आप लोगों को भी घुमाते हैं अभी। सो गाइस ये हम आ चुके हैं देवधरा में, जो कि सामने आप देख सकते हो तो ये शिव मंदिर है। सो चलो खैर इसके अंदर भी ले चलते हैं आपको, और इसके अंदर भी घुमाते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर आपको जो आर्किटेक्चरल है इसका वो चीज़ दिखाने के लिए कि किस तरह से बना हुआ है। बाकी डिटेल्स तो खैर मेरे को भी इतना नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना मेरे को समझ आ सके उतना आपको दिखा सकूँ भाई। सो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर, और भाई कोई भी धार्मिक स्थल है सो उन स्थानों का मतलब आदर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि अगर हम किसी हिंदू प्लेस पे विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पर मतलब जो उनके नियम हैं उनका पालन ना करें। सो भाई मैं भी अपने प्रॉपर जो शूज़ वगैरह है सो वो उतार करके तभी अंदर जाऊँगा। सो ये देख सकते हो भी मैंने अपने शूज़ उतार लिए हैं। तो चलो खैर अभी अंदर चलते हैं, और अंदर का व्यू जो है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई। सो ऐसे कुछ हम एंटर करते हैं, और
एक इशू मेरे साथ और है भाई, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो उड़िया में लिखा हुआ है, तो खैर मैं उड़िया तो जानता नहीं हूँ, ठीक से समझ लेता हूँ लेकिन पढ़ना तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो खैर कुछ ऐसे मेन एंट्री में है, तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा चारों तरफ जो है इस तरह से मतलब पूरा गोल घूमने के लिए है, और अलग अलग जो मूर्तियाँ इसमें लगी हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमान जी की मूर्ति लगी है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सेम इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी, तो इस तरह से मतलब सारी वॉल्स में मूर्तियाँ लगी हुई है। बाकी इस तरफ से मतलब पूरा गोल घुमा रखा है इन्होंने, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मूर्तियाँ आप देख सकते हो। तो खैर चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे ऐसे ऐसे। और जिस तरफ से एंट्री है उसके अलावा भाई जो साइड एंट्री है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो नंदी है उसकी मूर्ति बनी हुई है, और जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ से है, क्योंकि जहाँ से हमने एंटर करा था तो वहाँ से मैंने आपको दिखाया कि एंट्री लेते ही सामने एक मूर्ति बनी हुई है। तो जब हम ऐसे घूम करके आते हैं तो इस वाली साइड से अपना ये मंदिर का जो मेन एंट्री है, लेकिन अभी लॉक है तो खैर अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता आपको। बाकी आर्किटेक्चरल की बात करें तो भाई काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है, और डिज़ाइन्स अगर आप देखोगे तो बड़ी बारीकी से इसमें दे रखी है, चाहे वो हम बात करें पिलर्स की या फिर जो इस तरह से डिज़ाइन वगैरह दे रखे हैं, तो सब कुछ खैर बहुत खूबसूरत है। तो खैर यह चीज़ आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे कोई भी शिव मंदिर होता है तो ठीक जो शिवलिंग है उसके ऑपोजिट में नंदी की मूर्ति होती है, मतलब जो नंदी का फेस है वो अपना शिव जी की तरफ को होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और बाकी यहाँ के लिए ये बोला जाता है कि जो ये मूर्ति है नंदी की, तो इसमें जो शेर है कि उसने पंजा मारा था, तो उसके निशान है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन समय के अनुसार मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो कम होता रहा है, क्योंकि इसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो इसमें पेंट वगैरह लगता है, सो इस वजह से जो पंजों के निशान है वो काफ़ी हद तक के ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई जो नंदी की जो मूर्ति है कि उसमें शेरों के पंजों के निशान है, सो जैसे इसमें भी मेंटेनेंस लगते रहते हैं तो बार बार पेंट वगैरह करना पड़ता है, तो फिर उस वजह से जो निशान है वो काफ़ी हद तक के ढक चुके हैं। सो चलो खैर अभी बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो टेम्पल का व्यू आपने देख लिया होगा। सो पास में एक जगह और है घूमने लायक, झरना है, तो वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे और वहाँ का भी व्यू आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइज ये आप देख सकते हो कि अपना जो मेन जो मंदिर है वो इस तरफ है। बाकी कैमरा अभी मैंने सुपर व्यू मोड में कर रखा है, तो शायद अभी जब मैं रोटेट करूँगा तो थोड़ा सा आपको अलग सा व्यू आएगा, तो खैर दिखाना ज़रूरी भी है, तो खैर इस वजह से भाई मैं आपको ये टेम्पल दिखा रहा हूँ, और इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है, तो मतलब चट्टान वगैरह है, पहाड़ है, और साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पानी वगैरह है। और दूसरी दिक्कत ये हो रही भी कि जब भी कभी आप पब्लिक प्लेस पे शूट करो सो खैर दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी अभी जैसे पीछे बच्चे खेल रहे हैं, हल्ला मचा रहे, तो खैर उनको भी कुछ टोक वोक नहीं सकते, है ना, तो खैर हम अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान देना, चाहे आप नया व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप शूट कर रहे हैं, तो भाई पब्लिक को से डिस्टर्बेंस ना हो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो खैर आसपास का व्यू आप लोगों ने देखा, और खैर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। तो खैर चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और पास में एक झरना है, सो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं अभी। सो गाइज अभी खैर मंदिर तो हमने विज़िट कर लिया, तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल झरने की तरफ, और जो रोड है बाय रोड तो खैर पॉसिबल नहीं था, तो इस करके हमने कहा यहाँ से थोड़ा पास भी पड़ेगा, हालांकि रास्ता थोड़ा सा ऐसा है, तो खैर चलो खैर कोई नहीं, पहुँचते हैं और फिर वहाँ के व्यू भी आप लोगों को दिखाते हैं भाई। सो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये देख सकते हो भाई यहाँ का व्यू, खैर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और असल में कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सही बन रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर ऊपर अगर आप देखोगे पहाड़ों में, थोड़ा सा येलोइश कलर, बाकी फिर वाटर का जो कलर है क्योंकि गहराई ज़्यादा है तो इस वजह से ग्रीन दिखता है ना, क्योंकि कम गहराई रहेगी तो पानी साफ दिखेगा, लेकिन जितना ज़्यादा गहरा रहता है उतना ज़्यादा ग्रीन आपको दिखेगा, तो खैर इससे गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी आसपास का व्यू काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मतलब मज़ा सा आ रहा है देखने में भी, क्योंकि शहरों में तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसा। बाकी जब हम लोग कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो खैर उस तरह के कुछ जो प्लेसेस होती है वो हम लोग विज़िट करते हैं,
अदरवाइज़ तो खैर यहाँ पर भी खैर काफ़ी मज़ा सा आ रहा है मेरे को देखने में। उसके अलावा इस एरिया के लिए बताया जाता है भाई कि जैसे अगर आप यहाँ से दूसरी साइड के लिए अगर आप पत्थर भी फेंकोगे सो जाएगा नहीं। और साथ ही बात करें अगर इसकी गहराई की, तो जहाँ तक मेरे को सुनने में आया था कि मतलब साइंटिफिक तौर पे भी इसकी रिसर्च करी गई, तो खैर जो इसकी डेप्थ है वो अभी तक उसका पता नहीं चला। और लोकल्स का ये भी मानना है कि जो एकदम बॉटम जो है तो वहाँ पर गोल्ड है काफ़ी, तो ऐसा कुछ मानना है। तो खैर देखो अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को अगर हम विज़िट कर रहे हैं वहाँ पे जो कुछ भी हम सुनने के लिए मिलता है तो वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो जो लोग अपने छत्तीसगढ़ उड़ीसा से हैं या इसके आसपास के जगहों से हैं तो उन लोगों को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मानी जाती है। उसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा और नीचे आ गया हूँ क्योंकि पता नहीं ऐसे में आपको व्यू दिख रहा है कि नहीं, तो सारी तरफ से रस्सियाँ आपको खिंचती हुई नज़र आ रही होगी। तो सारी तरफ कुछ कुछ लोग हैं और इन्होंने असल में जाल डाल रखा है मछलियों के लिए, तो खैर वो खींचना शुरू कर रहे हैं ये लोग। तो खैर देखते हैं अभी क्या पकड़ पाते हैं लोग। सब जुड़ी हाँ सो गाइज ये देख सकते हो भाई, होपफुली आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पांच तरफ सॉरी छह रस्सियां इन्होंने डाल रखी और जाल खींचना शुरू कर दिया है। तो ये देखो मतलब जाल सारी तरफ से ऊपर आ गया है, तो बीच में अगर मछलियां होंगी तो बीच में होनी चाहिए, मतलब मछली जो है बाहर नहीं निकल पाएगी। तो खैर देखते हैं अभी धीरे धीरे जैसे जैसे खींचते हैं। हाँ नहीं यार। और साथ ही सोचने वाली बात ये भी है कि भाई इन्होंने जाल कैसे डाला है यहाँ पर, क्योंकि दूरी अगर आप देखोगे तो भाई एक कोने में इधर बैठे हैं लोग, तीन रस्सियाँ सामने वाले पहाड़ पे जा रही है तो वहाँ पर एक एक लोग बैठे हैं मतलब खींच रहे हैं, बाकी दो लोग हमारे यहाँ नीचे की तरफ हैं। तो खैर देखो अभी खींच रहे हैं अभी ये लोग, तो पता नहीं मछली लगी है कि नहीं लगी है इनके हाथ, खाली सा नजर आ रहा वैसे तो। खैर एक भी नहीं लगा है कि नीचे और है जो गहरा है देखता है मैं मजा के एलएस ने झुरिया अभी वो सुन झुरिया अभी दाना ना डालना चाहिए ना। सो जाल तो खैर इनका ऑलमोस्ट आ चुका है ऊपर, लग तो नहीं रहा है जैसे कि लगी है मछली, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका जो बेस है जाल का वो भी पूरा आ चुका है। और हाँ अगर इसमें मछली होती तो इतने ऊपर तक के आ गया, तो अब तक तो खैर उछलना शुरू कर देती मछली इधर उधर, तो शायद खाली है जाल बिल्कुल। सो गाइस होपफुली आसपास का व्यू भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और बात करें अगर इनके जाल की तो भाई खैर अभी इन्होंने दोबारा से जाल डाल दिया है, तो खैर चलो इनको मछली पकड़ने देते हैं और हम लोग चलते हैं आगे झरने की तरफ। सो गाइस ये हम लोग पहुँच चुके हैं भाई झरने के पास, और मौसम के वजह से जो पानी है वो चल तो खैर ठीक ठाक रहा है लेकिन मैं कहूँगा से ना के बराबर, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पानी होना चाहिए तो खैर बरसात की बात करें या फिर बरसात के आसपास के टाइम की तो खैर उस टाइम काफ़ी पानी रहता होगा। अभी तो खैर हालांकि अपने नॉर्थ जोन में ठंड काफ़ी है, लेकिन यहाँ की अगर अभी मैं करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर होना चाहिए अभी, तो इतना वेरिएशन है टेम्परेचर में भी नॉर्थ जोन में और अपने अभी जहाँ पर हूँ मैं उड़ीसा में। और तो खैर गर्मी काफ़ी है इस करके पानी भी कम हो रखा है, बाकी इस तरफ भी अगर हम बात करें तो इधर भी खैर जाल वगैरह डाल रखा है। और हालांकि अब तो खैर एक पिकनिक स्पॉट टाइप का हो गया ये, क्योंकि जब पानी वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक रहता है तो उस टाइम लड़के वगैरह जो है अपना पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, साथ में नहाने धोने के लिए भी आते हैं। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से छलांग लगाते हैं, तो खैर फन पार्ट एक तरफ, बाकी भाई सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो खैर इस चीज़ के लिए हम खैर किसी को सजेस्ट तो नहीं करेंगे भी कितनी हाइट से कूदो, हालांकि कभी कभी मैं भी करता हूँ ऐसा, लेकिन खैर किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट है ना, तो इस चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें। बाकी इधर से भी व्यू देखोगे तो खैर जो पूरा पानी उस तरफ को जा रहा है तो मतलब एक तरह से नहर टाइप का हम बोल सकते हैं। तो चलो खैर बस ये भी हमने देख लिया, तो अभी यहाँ से भी हम लोग निकलते हैं और चलते हैं सीधे घर तरफ, बाकी क्योंकि कल मैंने दोबारा से ट्रैवल भी करना है तो खैर जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह भी करना ज़रूरी है। और साथ ही मज़ेदार चीज़ ये है कि भाई मोस्टली तो जिस हिसाब से जगह है तो खैर ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज़ होनी चाहिए, तो खैर हम तो प्रॉपर तैयार वगैरह होकर के आए थे,
अदरवाइज तो खैर ट्रैकिंग की अगर हम बात करें भी तो अपना शॉर्ट्स वगैरह में तो कुछ इस तरह से करी जाती है, लेकिन चलो खैर घूमने के लिए आए थे, घूम लिए, काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि भैया नक्सलाइट एरिया है, यानी जो नक्सलवाद है सो वो एक्टिव एरिया है और यहाँ पर आते हैं वो लोग तो हम भी फटाफट से भागते हैं। दो चीज़ का ख़तरा है, एक तो जानवरों का, क्योंकि शाम का टाइम है तो भी आप लोगों को पता होगा कि पानी वानी पीने के लिए जानवर नीचे उतरते हैं। दूसरा ख़तरा है नक्सलियों का। तो खैर चलो निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट और पहुँचते हैं सीधे घर। बाकी व्लॉगिंग करते करते पहाड़ चढ़ते चढ़ते सांसें भी फूलने लग रही, तो चलो खैर कोई नहीं, बढ़ते हैं अभी सीधे घर के लिए। सो फाइनली गाइस, खैर अभी हम नीचे तो उतर गए, अपने बाइक्स वगैरह के पास पहुंच चुके हैं। उसके अलावा बात करें भी अगर एरिया की सो ऑलमोस्ट पिकनिक स्पॉट की तरह ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कई सारी फैमिलीज़ हैं या फ्रेंड सर्कल वगैरह है, अलग अलग गाड़ियों में वगैरह में आ रखे हैं। तो खैर सब लोग यहाँ पर आ रखे, अपना खाना वाना भी यहीं पर बना रहे हैं, कुछ लोग लेकर के आते हैं, तो खैर यहाँ पर इंजॉय करते हैं। बाकी इस साइड जो है पानी थोड़ा कम है तो वहाँ पर नहाने धोने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो खैर कुछ इस तरह का यहाँ का जो माहौल है वो बना हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, भी जैसे अगर आप देख सकते हो गंदगी काफ़ी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को भी मैनेज करना चाहिए। तो जैसे डस्टबिन वगैरह है या जो भी यहाँ मंदिर कमेटी के लोग हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, साथ ही पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए भाई कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे प्लास्टिक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, डिस्पोजेबल हो, तो उस चीज़ को एक प्रॉपर जगह पे डाले। तो खैर मेरे को ऐसा कुछ यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा डस्टबिन वगैरह कुछ कि जो पब्लिक है वो भी एक जगह पे कूड़ा डाले, तो इसी वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ कचरा वगैरह भी फैला हुआ है। सो एनीवेज खैर अभी चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि फिर मैंने आगे जर्नी कंटिन्यू करनी है अपनी आज से।